हेलो एवरीवन, प्लीज जॉइन क्विकली। गुड आफ्टरनून आलोक, होप आई एम ऑडिबल। आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं ना? यस टाइप कर दीजिए। ओके, सो आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ एकेडमी ऑफ अर्थ साइंसेस। आज का जो क्लास है वो ट्राइलोबाइटा का जो फर्स्ट पार्ट था, वो हम लोगों ने सिफालॉन पार्ट का डिफरेंट फीचर्स देखा था। आज हम लोग थोरैक्स एंड पीजीडीएम के बारे में पढ़ेंगे एंड वी विल डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस टुडे। ओके, एंड ट्राइलोबाइटा विल बी कंप्लीट बाय टुडे। ओके, सो आई रिक्वेस्ट यू दोज़ हु आर प्रेजेंट टू शेयर द लिंक ऑफ टुडेज क्लास टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे कुड ऑल्सो जॉइन। ओके ओके, आई विल वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, देन आई विल स्टार्ट द क्लास। देखिए, पहले का जो क्लास था वो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वी हैड स्टडीड अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेफलॉन, दैट इज यू कैन सी इन दिस पावर पिक्चर दैट दिस पार्ट इज द सेफलॉन पार्ट। ओके, ये जो पार्ट है ये पूरा सेफलॉन का पार्ट है, दिस होल पार्ट। वी हैव स्टडीड अबाउट डिफरेंट फीचर्स इन दिस पार्ट। नाउ वी विल टुडे वी विल सी अबाउट द फीचर्स दैट आर एसोशिएटेड विद थोरैक्स, द फीचर एसोशिएटेड विद पीजीडियम, वट इज एक्डाइसिस एंड ऑन्टोजेनी विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन द ट्राइलोबाइट्स, देयर क्लासिफिकेशन एंड सम क्वेश्चंस। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग टुडे। नाउ देखिए, फर्स्ट क्या है फीचर्स ऑफ थोरैक्स। नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द सेफलॉन पार्ट। ओके, वी हैव स्टडीड अबाउट द सेफलॉन पार्ट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द थोरैसिक सेगमेंट, देन वी विल गो फॉर द पीजीडियम। ओके, अभी हम लोग थोरैसिक पार्ट का डिफरेंट फीचर्स देखेंगे। नाउ व्हाट इज अ मीडियन एक्सिस और एक्सियल सेगमेंट। In the case of a median axis, they are the series of segment along the median part of the thorax, which are continuation of the glabella. Now, see in this picture, what is this? This is the glabella part. ये क्या है? Glabella है, जो cephalon में है. Glabella क्या किस axis के बराबर present है? Along the median axis, or you can say the प्लेन ऑफ बायोलैटरल सिमेट्री। ये क्या है? एक्सिस है, मीडियन एक्सिस। ओके, नाउ दिस ग्लैबेला इट व्हेन इट कंटिन्यूज इन द केस ऑफ थोरैक्स, इट्स कंटिन्यूएशन डेवलप्स अनदर पार्ट इन थोरैक्स व्हिच इज नोन एज द मीडियन एक्सिस और एक्सियल सेगमेंट्स। ओके, ये क्या है? इतना तक हमारा थोरैक्स है। सो ऑल दीज सेगमेंट्स दैट आर फॉर्म्ड, एक एक सेगमेंट दिख रहा है ना जो फॉर्म किया है अलोंग द मीडियन लाइन विच इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेफलॉन इन द थोरैसिक सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड द मीडियन सेगमेंट और द एक्सियल सेगमेंट्स। हाउ मेनी? 1, 2, 3, 4, 5 नंबर अकॉर्डिंगली। ओके, दीज आर द सेगमेंट्स। नाउ इन द केस ऑफ द another segment is the pleural segment, or you can say pleuron. We have seen that the axial segment, it is present at the mid part of the thorax. Now on either side, the lateral sides, the segments that are present, okay, they are known as the pleural segment or pleuron. On the either sides of the axial segments, there are other segments that are known as the pleural segments or प्लूरॉन। ये जो सेगमेंट्स हैं इनको हम प्लूरल सेगमेंट्स और प्लूरॉन बोलते हैं। ओके, ये थोरैसिक पार्ट में प्रेजेंट है।
Now, in the case of the longitudinal furrow, what is the longitudinal furrow? अब देखिए, ये जो axial segments है and pleuron का जो part है, the pleural segments, how can we differentiate them? They are easily differentiated because we can see that there is a groove that separates it or a furrow. This part is called the axial furrow. Okay, as you can see, this is called the axial furrow. ठीक है? और सिंपल तरीके से समझने में इजी होगा दैट दिस इज द थोरैक्स. ये पूरा थोरैक्स है. दिस इज द एक्शियल पार्ट. दीज आर द लैटरल पार्ट्स और द प्लूरल पार्ट. हाँ, यहाँ पे सेगमेंटेशन दिखाया नहीं गया है तो मैं सेगमेंट वर्ड यूज नहीं कर रही हूँ. यहाँ पे दिखाया गया है तो यू कैन यूज द वर्ड सेगमेंट हियर. नाउ दिस इज द एक्शियल पार्ट, दिस इज द प्लूरा पार्ट ऑफ द थोरैक्स एंड द एक्शियल पार्ट is separated from the pleural part by two furrows which are known as the longitudinal furrows. ठीक है. Now in the case of fulcrum किसे कहते हैं हम? देखिए, ये जो pleurons है ना, in these pleurons if you take a single part, this pleuron, in this pleuron there is a स्लाइट कर्व्ड पार्ट. दिस पार्ट इसको हम फलक्रम कहते हैं. वी विल सी दिस इन द फिगर. नाउ सी, ये जो प्लूरॉन का पार्ट है ये क्या है? एक्शियल सेगमेंट. दिस इज द प्लूरल सेगमेंट और द प्लूरॉन. ओके, नाउ दिस प्लूरॉन एट दिस पार्ट दे हैव अ स्लाइट कर्व्ड सर्फेस विच इज नोन एज द fulcrum. You can see here, this part is called the fulcrum, not this. This part is called the fulcrum. Okay, this part. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? fulcrum. Now, और एक क्या है feature? That is articulating facet. Articulating facet किसे कहा जाता है? देखिए, in the case of facet, facet जो है ये है one side of a many sided body. अब क्या है इन केस ऑफ अ फेसेट? सी हियर, ये जो प्लूरॉन है, ये जो उसका साइड है, दिस साइड ऑफ द प्लूरॉन दैट इज द आउटर पार्ट ऑफ ईच प्लूरॉन, इट ओवरलैप्स ऑन द सक्सीडिंग प्लूरॉन. यहाँ पे क्या दिख रहा है? दिस प्लूरॉन इज ओवरलैपिंग ऑन टू दिस प्लूरॉन. हमें जो है इस प्लूरॉन का एंटीरियर पार्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि इसके एंटीरियर पार्ट को उसके पहले वाले प्लूरॉन ने ओवरलैप कर दिया है. ओके, द प्रीवियस प्लूरॉन, इट हैज ओवरलैप द एंटीरियर पार्ट ऑफ द प्लूरॉन बिहाइंड इट. ओके, सो द एंटीरियर पार्ट ऑफ दिस प्लूरॉन इज समवॉट हाइडेड बिलो दिस प्लूरॉन. ओके, वन टू से समझिए. टू का जो एंटीरियर पार्ट है प्लूरॉन का, ये जो पार्ट है ये क्या है? ओवरलैप्ड हुआ है ना वन जो है प्लूरॉन नंबर वन से. सो दिस डेवलप्स अ फ्लैट, ये जो ओवरलैप्ड सरफेस है इसमें जनरली वी फाइंड अ फ्लैटेंड एंड स्मूथ सरफेस. ओके, दैट हेल्प्स इन आर्टिक्यूलेशन. आर्टिक्यूलेशन क्यों? आर्टिक्यूलेशन क्यों? क्योंकि जब एक प्लूरॉन दूसरे प्लूरॉन का एंटीरियर पार्ट कवर कर रहा है तो दैट मीन्स इट इज आर्टिक्यूलेटिंग एट दैट पार्ट एंड दैट पार्ट इट इज फॉर्मिंग अ स्मूथ एंड फ्लैटेंड सरफेस. नाउ एज इट इज बीइंग आर्टिक्यूलेटेड किस में हेल्प करेगा? मूवमेंट में, है ना? दिस मूवमेंट, व्हाई इट इज हेल्प? बिकॉज ऑफ दिस आर्टिक्यूलेशन दिस प्लूरॉन्स सम पार्ट इज बिलो दिस. समझ में आ रहा है? तो ये जो पार्ट है हम इसे आर्टिक्यूलेटिंग फेसेट कहते हैं. ये देखिए, ये जो पार्ट है इसके ऊपर जब ऑरिक आएगा ना, ये इसका जो पार्ट है इसमें हाइड हो जाएगा एंड दिस पार्ट इट विल बिकम अ स्मूथ एंड फ्लैटेंड सरफेस विच हेल्प्स इन आर्टिक्यूलेशन एंड देयरफॉर वी कॉल इट अ आर्टिक्यूलेटिंग सरफेस ऑफ द फेसेट. ओके, या फिर आर्टिक्यूलेटिंग फेसेट. नाउ
मूविंग फॉरवर्ड व्हाट वी हैव इज द प्लूरल एंगल. प्लूरल एंगल क्या कहते हैं? इन दिस केस जनरली इन ईच प्लूरॉन, एज यू कैन सी हियर, अगर प्लूरॉन का एंड ऐसे कर्व रहा, ओके, इट इज नॉट टूवर्ड्स एंगुलर, ओके, ऐसे कर्व हो गया तो इसको हम क्या कहते हैं? प्लूरल एंगल. ओके, दिस एंगुलेशन ऑफ द प्लूरॉन एट इट्स टिप इज कॉल्ड द प्लूरल एंगल. नाउ प्लूरल स्पाइन देख लो. सेकेंड होच्छे क्या है? प्लूरल स्पाइन. प्लूरल एंगल जिसमें पाया जाता, किसमें पाया जाता है? दैट इज द ट्राइलोबाइट नेम इज कैलिमिनी. याद रखो, द ट्राइलोबाइट नेम इज कैलिमिनी. वेन एवर देर इज एन एंगुलेशन और अ कर्व सर्फेस डेवलप्ड एट द टर्मिनल एंड ऑफ ईच प्लूरॉन, इट इज कॉल्ड द प्लूरल एंगल. एंड वेन द टर्मिनल एंड ऑफ द प्लूरॉन इट एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली टू फॉर्म अ स्पाइन लाइक प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर, देन इट इज कॉल्ड अ पैराडॉक्साइड. ओके, नाउ सी दीज प्लूरल स्पाइन्स. यहाँ पे क्या है? दे हैव बीन एक्सटेंडेड पोस्टीरियरली लाइक अ स्पाइन स्ट्रक्चर. ये और भी नीचे जा सकते हैं पोस्टीरियर एक्सटेंशन में. ओके, दीज आर कॉल्ड द प्लूरल स्पाइन्स. ठीक है, अगर प्लूरॉन का टर्मिनल एंड कर्व रहा देन इट इज कॉल्ड प्लूरल एंगल. इफ इट इज प्रोजेक्टेड पोस्टीरियरली टू फॉर्म अ स्पाइन लाइक पॉइंटेड स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड अ प्लूरल स्पाइन. प्लूरल एंगल किस में मिलता है? कैलिमिनी में. प्लूरल स्पाइन किस में मिलता है? पैराडॉक्साइड्स में. ओके, नाउ व्हाट वी हैव इज द एपोडिम. क्या है? जनरली व्हाट वी हैव सीन दैट द ट्राइलोबाइट्स दे कंसिस्ट ऑफ अ पेयर्ड अपेंडेजेस. दीज पेयर्ड अपेंडेजेस नीड सम एरिया वेयर इट विल गो एंड जॉइन एंड दिस जॉइनिंग इज डन बाय मसल्स. है ना, ये जो मसल्स जॉइनिंग में हेल्प कर रहे हैं अपेंडेजेस को, दे आर प्रेजेंट एट द वेंट्रल साइड ऑफ द ट्राइलोबाइट. वेंट्रल साइड मतलब क्या है? लोअर पार्ट ऑफ द ट्राइलोबाइट. ओके, दीज अपेंडेजेस दे गो एंड जॉइन एट द लोअर पार्ट ऑफ द ट्राइलोबाइट बाय द हेल्प ऑफ मसल्स. ओके, एट द वेंट्रल साइड दीज आर कॉल्ड द एपोडिम. दैट इज द मसल्स विच हेल्प्स दीज अपेंडेजेस टू जॉइन विद द वेंट्रल पार्ट ऑफ द ट्राइलोबाइट शेल. दे आर कॉल्ड एज एपोडिम. ओके, नाउ दीज आर द एरियाज फॉर मसल अटैचमेंट एट द वेंट्रल साइड फॉर्म्ड बाय द इनवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ ईच एक्सियल सेगमेंट. कैसे फॉर्म्ड होता है? ये जो वेंट्रल साइड में है ना, ये इंडिविजुअल जो एक्सियल सेगमेंट्स है एट द मिड पार्ट ऑफ द थोरैक्स, इसके इनवर्ड प्रोजेक्शन में. ओके, वेन दे हैव अ इनवर्ड प्रोजेक्शन दे नीड अ मीन्स डिप्रेस्ड एरिया टू जॉइन. दिस डिप्रेस्ड एरिया द इनवर्ड प्रोजेक्शंस दैट आर फाउंड विद इन द एक्सियल सेगमेंट्स. एंड व्हाट हैपेंस इज दैट दीज मसल्स अटैचेस इन दिस सेगमेंट्स. ओके, these are called as apodem, these muscles. Okay, now biremus appendages. As I have told you that trilobite they consist of a paired appendages, they are known as biremus, means one pair of appendage. Okay, biremus means each segment, that is glabella, the thorax and the pygidium. ये हर एक सेगमेंट में हम लोगों को क्या मिलता है? We find a segment that bears one pair of appendages which are called as the biremus appendage. लेकिन एक बात याद रखना कि pygidium का जो लास्ट सेगमेंट है ना, उसमें अपेंडेज नहीं मिलता. दैट इज द पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ द एनस. इट डू नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी अपेंडेजेस. Only all the parts of glabella, thorax, pygidium except the last segment of pygidium, they consist of the biremus appendages, one pair of appendages, one on this side and the other on this side. Okay,
Now, नहीं, प्लूरल एंगल ऑफ स्पाइन सेम नहीं है. इफ यू कुड अंडरस्टैंड द वर्ड दैट इज वन इज टॉकिंग अबाउट द एंगल, वन इज अ स्पाइन, है ना. वन इज अ एंगल, वन इज अ स्पाइन. अगर तुमने क्लास अटेंड किया है तो तुमको ये पता होगा दैट आई हैव मीन्स टॉक्ड अबाउट जीनल एंगल एंड जीनल स्पाइन जो सेफेलॉन में होता है. ये जो सेफेलॉन का पार्ट है ना, इसमें जो ये कर्व्ड होगा, अगर द पार्ट ऑफ द सेफेलॉन इट हैज़ अ सेलियंट कर्वेचर टूवर्ड्स इट्स पोस्टीरियर पार्ट. ओके, जनरली इस साइड में एंटीरियर होता है, पिजीडियम जिस साइड में होता है वो पोस्टीरियर साइड दिखाता है टूवर्ड्स इट्स पोस्टीरियर एक्सट्रीमिटी. ओके, देन क्या होता है, दिस सेलियंट एंगुलेशन इज कॉल्ड अ जीनल एंगल. सिमिलरली व्हेन दिस एंगुलेशन इज प्रेजेंट इन द थोरैसिक सेगमेंट इन द प्लूरॉन, है ना, दे आर कॉल्ड द जीनल एंगल. एंड व्हेन दिस पार्ट इज प्रोजेक्टेड टू फॉर्म अ स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर, projected to form a spine-like structure towards the posterior side, okay, then it is called a genal spine. Spine से I don't think तुम angle निकाल सकते हो. एक spine तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो angle कैसे निकालोगे? Angle तभी होगा ना जब ये curved surface रहेगा. अगर ये extended ही हो गया तो how can you find the actual angle? I hope you are clear, Vivek. Okay. Continuing forward, what is coxa? देखो, biremus appendages, they have three parts. What are they? Coxa, endopodite and exopodite. Coxa क्या होता है? This is the basal segment of each appendage that is articulated to the apodem. Now, see this figure. ये जो है ना, ये क्या है? This is the basal segment. This is the basal segment. This total is the अपेंडेज दैट इज अ बायरमस अपेंडेज. ये पूरा एक बायरमस अपेंडेज का फिगर है. ओके, नाउ द बेजल सेगमेंट व्हेन अटैच टू द एपोडेम इट इज कॉल्ड एज कॉक्सा. यू कैन सी दैट कॉक्सोपोडाइट या फिर कॉक्सा क्या बोलते हैं, द बेजल सेगमेंट विच इज अटैच टू द एपोडेम. एपोडेम मतलब क्या है, मसल्स. दीज मसल्स दे गो एंड अटैच टू वर्ड्स द वेंट्रल पार्ट ऑफ द एक्चुअल सेगमेंट इन द डिप्रेस्ड जो एक डिप्रेस्ड पार्ट में जाके अटैच्ड हो जाता है. तो ये जो मसल्स है, ये जो एपोडेम है, इस एपोडेम के साथ क्या हो रहा है, ये कॉक्सा अटैच्ड हो रहा है ना, तो क्या इसको हम कॉक्सा बोलते हैं. द बेजल सेगमेंट विच अटैचेस टू द एपोडेम इज कॉल्ड द कॉक्सा. इट इज अ पार्ट ऑफ द बायरमस अपेंडेज. नाउ सी व्हाट इज एंडोपोडाइट. द इनसाइड ब्रांच ऑफ ईच अपेंडेज इमर्जिंग फ्रॉम कॉक्सा. यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉक्सा से क्या इमर्ज कर रहा है, अ this part is emerging and this part is emerging. Now you can see that it is written here endopodite. This part, it is the inner branch of the appendage that emerges from the coxa. This is called as the endopodite. Endo means inner side. Exopodite matlab kya hai, the outer branch of each appendage that emerges from the coxa. It is called a एक्सोपोडाइट. ओके, नाउ ये समझ में आया. फिर क्या क्या है, मीडियन एक्सिस, प्लूरल सेगमेंट, लॉन्गिट्यूडिनल फरो, और एक यहाँ पे दिया हुआ नहीं है दैट इज फल्क्रम. फल्क्रम समझ में आया, आर्टिक्यूलेटिंग फेसेट, प्लूरल एंगल, प्लूरल स्पाइन कैसे कहते हैं, एपोडेम, वायरमस अपेंडेज. देन पायरेमस अपेंडेज का क्या क्या पार्ट है, कॉक्सा, एंडोपोडाइट, एक्सोपोडाइट. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड और क्या है देखते हैं. नाउ फीचर्स एसोसिएटेड विद पिजीडियम. फीचर्स एसोसिएटेड विद पिजीडियम क्या है, पिजीडियम इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स सेगमेंट का लास्ट पार्ट क्या है, पिजीडियम, है ना. तो इन दैट केस व्हाट वी हैव इज द एक्शियल लोब एंड फरो. सिमिलरली द एक्शियल सेगमेंट ऑफ द सेफेलॉन दे आर कंटिन्यूइंग विद इन द पिजीडियम, राइट, दे आर कंटिन्यूइंग. दीज आर नोन एज द एक्शियल सेगमेंट्स एंड दीज सेगमेंट्स, इंडिविजुअल सेगमेंट्स, दे आर मीन्स
differentiated from the other, okay, by a furrow. This is called the axial furrow. Similarly, those segments that are present on lateral sides of the axial segment, usko hum kya kehte hain? Pleural lobes and pleural furrows. Okay, see this figure. ये क्या है? पिजीडियम का पार्ट है. ये पार्ट क्या है? एक्जियल पार्ट है पिजीडियम का. और ये क्या है? प्लूरल पार्ट है. ओके, नाउ यू कैन सी इन दिस फिगर दैट दिस पार्ट. ओके, नाउ दिस इज द एक्जियल सेगमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द पिजीडियम. ओके, एंड दे आर सेपरेटेड बाय फरोज, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्जियल फरोज. सिमिलरली ये जो लैटरल साइड में सेगमेंट्स हैं, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? दैट इज द प्लूरल लोब्स एंड दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द प्लूरल फरोज. ओके, लाइक हियर यू कैन सी द एक्जियल लोब्स. ओके, नाउ टेल्शन. देखो टेल्शन जो है ना, एक इंपॉर्टेंट फीचर है ट्राइलोबाइट्स में. ट्राइलोबाइट्स में जो पूछा जाता है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स से तुम्हें पूछा जाएगा कि क्या क्या मैच द फॉलोइंग, विच कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज फाउंड इन विच ऑर्गेनिज्म, ऐसे करके पूछ लिया जाएगा. तो कीप इन माइंड ऑल दीज फीचर्स दैट आर एसोसिएटेड विद सेफलॉन, थोरैक्स एंड पिजीडियम. ओके, नाउ टेल्सन. व्हाट इज अ टेल्सन? हियर व्हाट यू कैन सी इज अ ट्राइलोबाइट शेल. ये जो पार्ट है, इट इज द पोस्टीरियर पार्ट. This is the anterior part, this is the posterior part. Now, in the case of the posterior part, we have a spine-like projection. Ye spine-like projection kahan se aa raha hai? From the pygidial part. This pygidial part, when it's have a spine-like projection from its end last segment towards posterior side, it is known as a telson. Okay? When there is a posterior spine-like projection from the last segment of the pygidium, it is known as a telson. ठीक है? Now, see, in the case of the types of trilobites based on the size of pygidium versus cephalon. अब क्या है? Cephalon का जो size है and pygidium का जो size है, मतलब क्या है? Cephalon का जो size है and pygidium का जो size है, ये vary करता है from trilobite to trilobite. Now, in this case, depending upon the size of cephalon with respect to pygidium, okay, or the size of pygidium with respect to cephalon, different types of trilobites are micropygus, heteropygus, isopygus and macropygus. Now, what do you mean by micropygus? As the word suggests, micro, okay, and here we are mainly differentiating on the basis of the size of the pygidium with respect to cephalon. तो pygidium के size के ऊपर basis करके हम लोग differentiate कर रहे हैं. Okay, here we have a very small sized pygidium in micropygus. Example क्या है? Paradoxites. देख के रखो, question आएगा. और एक क्या है? Heteropygus. Heteropygus, what is this? Pygidium relatively larger but smaller than cephalon. मतलब क्या है? In this figure, what you can see is a micropygus, where the pygidium is much smaller than the cephalon. Okay, ये जो pygidium part है, ये much smaller than the cephalon. So, it is a micropygus. Heteropygus क्या होता है? This pygidium is larger, but still it is smaller to the cephalon. इसको बोलते हैं हम हेटेरोपाइगस. ओके, नाउ आइसोपाइगस क्या है? यू कैन सी दैट द साइज ऑफ द पिजीडियम एंड साइज ऑफ सेफलॉन आर मोर और लेस इक्वल. दे आर कॉल्ड एज आइसोपाइगस. एग्जाम्पल क्या है? आइसोटेलस. ओके, एंड मैक्रोपाइगस का क्या है? मैक्रो मतलब क्या है? पिजीडियम लार्जर देन सेफलॉन इज अ मैक्रोपाइगस. हियर पिजीडियम इज मच लार्जर देन द सेफलॉन. मैक्रोपाइगस. एग्जाम्पल क्या है? एन आइसोपाइजी. ओके, नाउ यहाँ पे देख लिया. फिर कोई डाउट है यहाँ पे? ट्राइलोबाइट्स के जो सेक्शंस मैंने पढ़वाए उसमें कोई डाउट है तो पूछ लो.
ये जो डिफरेंट साइज ऑफ द पिजिडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेफेलॉन है ना, ये इम्पॉर्टेंट है. ट्राई टू कीप दिस इन माइंड. आई हैव मेड टेबल्स सो दैट इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर. ओके, इफ देर इज एनी क्वेश्चन पूछ लेना. तुम लोगों का जो रिप्लाई है ना थोड़ा लेट से आता है. आई एम मूविंग फॉरवर्ड नाउ. एग्डाइसिस एंड ऑन्टोजेनी. नाउ सी, इन द केस ऑफ द ट्राइलोबाइट्स व्हाट वी सी अ स्पेशल फेनोमिना दैट ऑकर्स इज एग्डाइसिस. नाउ यू नो दैट ऑन्टोजेनी. ऑन्टोजेनी क्या होता है? द चेंजेस दैट ऑकर्स विद इन एन इंडिविजुअल एज इट ग्रोज फ्रॉम अ larval to an adult form. Okay, ontogenic changes. Okay, now in the case of ecdysis, what do you mean by this term ecdysis? It is very very important. Keep in mind, as the trilobite grows from its larval stage to adult form, there occurs periodic shedding, that is molting, of their exoskeleton. ये जो ट्राइलोबाइट का जो एक्सोस्केलेटन हम लोगों ने अभी तक देखा है, सेफलॉन, थोरैक्स, पिजिडियम, इसका जो डिफरेंस है ना, ये जो पूरा एक एक्सोस्केलेटन फॉर्म कर रहा है ना, ये जो शेल है, फ्रॉम टाइम टू टाइम इट इज बीन शेड बाय द ट्राइलोबाइट. द प्रोसेस इज नोन एज मोल्टिंग, दैट इज द पीरियोडिक शेडिंग ऑफ द ट्राइलोबाइट शेल. इन दिस प्रोसेस क्या होता है? द एक्सोस्केलेटन बिकम्स डिसआर्टिकुलेटेड एंड ब्रोकन अलॉन्ग द सेफेलिक सूचर ड्यूरिंग ईच मोल्टिंग प्रोसेस एंड द ओल्ड स्केलेटन इज डिस्कार्डेड एज द कास्ट शेल विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सुविए. नाउ दिस ट्राइलोबाइट इन द केस ऑफ द सेफेलॉन दे हैव फेशियल सूचर्स. ये जो सेफेलिक सूचर है ना, इसके मतलब अलॉन्ग दिस द ट्राइलोबाइट disarticulate and break apart and the soft organism it comes out. As for some time the soft organism is remained without an exoskeleton and soon it secretes another exoskeleton of larger size which can accommodate the grown up organism. ठीक है, अब जो ये shell है ये तो dispose कर दिया है trilobite ने, इसको हम क्या कहते हैं? Discarded जो shell है उसको हम cast shell कहते हैं और इट इज नोन एज द एक्सुविए. ओके, दिस डिस्कार्डेड शेल इज नोन एज एक्सुविए. नाउ इन दिस केस सेवरल एक्सुविएस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द ट्राइलोबाइट एज इट ग्रोज फ्रॉम द लार्वल स्टेज टू द एडल्ट स्टेज. क्योंकि ये डिफरेंट ऑन्टोजेनिक स्टेजेस में ग्रो कर रहा है, उसका बॉडी साइज इंक्रीज कर रहा है, तो ये जो एक्सुविए या फिर कास्ट शेल होता है बहुत सारे नंबर्स में रहता है. ओके, एंड दे आर इन टर्म फॉसिलाइज्ड ऑल्सो. ओके, दिस फिनोमिनन ऑफ पीरियोडिक मोल्टिंग ऑफ ट्राइलोबाइट एक्सोस्केलेटन एट द सक्सेसिव ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंटल स्टेज, इसको हम क्या कहते हैं? एक्डाइसिस. ये जो एक्डाइसिस का प्रोसेस है ये क्या करता है? पीरियोडिक शेडिंग ऑफ द ट्राइलोबाइट शेल वेयर देयर इज डिसआर्टिकुलेशन एंड ब्रोकिंग ऑफ द शेल अलॉन्ग द सेफेलिक सूचर during which the organism comes out and the soft body is remained without any exoskeleton. But soon the organism, it secretes an exoskeleton of larger size compared to the earlier ones. In similar way, these types of shells, they are continuously being secreted and continuous exuvias are produced. ये जो continuous exuvias हम लोगों को produced हो रहा है, they are found within the fossil records in the case of trilobites. Okay. And this process is known as the ecdysis. Okay, different stages on the ontogenic development of trilobite are, what are the different stages? That is, from the larval to the fully grown adult form, trilobite different stages से pass कर रहा है ना, molting कर रहा है, तो वो different stages से pass करेगा. जैसे कोई human being मान लो, they are first, they are adolescent, then they are grown up adults, then they go to the older stage, finally they dies off. Similarly, trilobites also have three stages. Isko yaad rakho, this is important. Protaspis, meraspis and holaspis. Okay, now what is a protaspis? Protaspis is the earliest growth stage in trilobite. The earliest stage that is found during the ontogenic development ya fir growth of trilobite, isko hum kya kehte hai? Protaspis. Meraspis kise kehte hai? The second stage of molting. Okay, cephalon separated from pygidium by transverse furrow.
एंड लेटर थोरैसिक सेगमेंट स्टार्ट्स टू डेवलप फ्रॉम द पिजीडियम. ओके, इन द केस ऑफ द प्रोटेस्पिस देयर इज नो पर्टिकुलर सेगमेंटेशन ऑफ द शेल दैट टेक्स प्लेस ट्राइलोबाइट का. लेटर ऑन मेरास्पिस में एक ट्रांसवर्स फरो डेवलप कर रहा है जो सेफेलॉन और पिजीडियम को सेपरेट कर रहा है. लेटर ऑन विद टाइम द सेफेलॉन एंड पिजीडियम दे आर सेपरेटेड मोर बाय द एडिशन ऑफ लेटर सेगमेंट्स थोरैसिक सेगमेंट्स एंड दिस एडिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द पिजीडियम टूवर्ड्स द सेफेलॉन. ओके, इसीलिए कैसे हम नंबर करेंगे 1, 2, 3, 4 ऐसे करके. नाउ होलास्पिस में क्या होता है, द एडल्ट स्टेज, ये कम्प्लीटली ग्रोन एडल्ट स्टेज इन ट्राइलोबाइट व्हेन द सेगमेंटेशन बिकम्स कम्प्लीट एंड देयर अपियर्स द कम्प्लीट शील्ड. ओके, जो एक्सोस्केलेटन वो अपियर कर जाता है एंड दिस मेरास्पिस, आफ्टर दिस मेरास्पिस स्टेज वो क्या होता है, फुल्ली ग्रोन एडल्ट हो जाता है जिसमें हम लोगों को सेफेलॉन थोरैसिक सेगमेंट एंड पिजीडियल सेगमेंट मिल जाता है. ओके, दिस फुल्ली ग्रोन एडल्ट स्टेज इज नोन एज द होलास्पिस वेर द ट्राइलोबाइट हैज डेवलप्ड फुल सेगमेंटेशन सेफेलॉन थोरैक्स एंड पिजीडियम एंड द एक्सोस्केलेटन हैज कम्प्लीटली बीन फॉर्म्ड. नाउ एक चीज याद रखना कि द ग्रोथ हाउएवर कंटिन्यूज बाय फर्दर एग्डाइसिस अंटिल द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल. ये तो हो गया इनिशियल लार्वल स्टेज से ट्राइलोबाइट का जो प्रोटास्पिस मेरास्पिस एंड होलास्पिस स्टेज उसने गेन कर लिया. नाउ सिंस इट इज एडल्ट इट डज नॉट मीन्स दैट इट विल स्टॉप ग्रोइंग, इट विल कंटिन्यू टू ग्रो बाय कंटिन्यूड मोल्टिंग ऑफ देयर एक्सोस्केलेटन दैट इज एग्डाइसिस. ओके, एंड सिक्रेशन ऑफ न्यू एक्सोस्केलेटन. ठीक है, समझ में आया. नाउ इन द केस ऑफ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. फाइलम आर्थ्रोपोडा क्लास ट्राइलोबाइटा, ये क्या है, डिफरेंट ऑर्डर्स दैट आर प्रेजेंट. यहाँ पे ना ऑर्डर्स का उतना क्लासिफिकेशन तुमको जानने का जरूरत नहीं है तो मैंने लिखा नहीं है, जस्ट आई हैव रिटन द ऑर्डर द एग्जाम्पल एंड द टाइम रेंज. ओके, इन दिस केस वॉट वी हैव इज फर्स्ट द एग्नोस्टिडा. कीप इन माइंड दैट द एग्नोस्टिडा दैट इज द एग्नोस्टस दे आर आईलेस ट्राइलोबाइट, दे डू नॉट हैव आईज. ओके, ये याद रखो दैट एग्नोस्टिडा इज अ आईलेस ट्राइलोबाइट. एग्जाम्पल क्या है इस ऑर्डर का, एग्नोस्टस फ्रॉम लोअर कैम्ब्रियन टू ऑर्डोविशियन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल, ट्राई टू मेमोराइज. इओडिसिडा में वॉट इज द एग्जाम्पल, इओडिस्कस लोअर टू मिडिल कैम्ब्रियन. प्रोपेरिया में फैकॉप्स कैलिमिनी ऑर्डोविशियन टू डेवोनियन. ऑपिस्थोपेरिया में क्या है, पैराडॉक्साइड्स लोअर कैम्ब्रियन टू परमियन. ऑलेनेलस लोअर कैम्ब्रियन. सो यू कैन सी दैट ऑल ऑफ देम आर प्रेजेंट विद इन द पैलियोजोइक एरा. तो ये मेनली जो ट्राइलोबाइट का फॉसिल है हमें पैलियोजोइक एरा के मतलब क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है. ओके, दे आर इंडेक्स फॉसिल फॉर द पैलियोजोइक टाइम. नाउ क्वेश्चंस देख लेते हैं. क्वेश्चंस देखने से पहले जितना तक मैंने समझाया कोई डाउट है तो पूछ लो. इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज आस्क, बिकॉज अभी पूछ लोगे क्लियर हो जाएगा, नहीं तो बाद में पूछोगे क्लियर नहीं होगा, है ना. तो पूछ लो क्वेश्चंस, तुम लोगों को ही आंसर करना है. ओके, जब तक डाउट पूछते हो तब तक क्वेश्चंस क्या क्या है देख लेते हैं. ट्राइलोबाइट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रिप्लोब्लास्टिक कोइलोमेट ग्रेड विथ स्यूडोमेरस बॉडी प्लान, ट्रिप्लोब्लास्टिक कोइलोमेट ग्रेड विथ मेटामेरस बॉडी प्लान, ट्रिप्लोब्लास्टिक कोइलोमेट ग्रेड विथ ऑलिगोमेरस बॉडी प्लान और ट्रिप्लोब्लास्टिक कोइलोमेट ग्रेड विथ एमेरस बॉडी प्लान. फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग फेशियल सूचर टाइप्स विद देयर एग्जाम्पल. क्या है, हाइपोपेरियन, गोनाटोपेरियन, प्रोटोपेरियन, ऑपिस्थोपेरियन. एग्जाम्पल्स क्या है, कैलिमिनी, पैराडॉक्साइड्स, माइक्रोडिस्कस एंड ऑलेनेलस. देन व्हाट वी हैव, मैच द फॉलोइंग फेशियल सूचर टाइप्स के साथ उसका डिस्क्रिप्शन मैच करना है. मीडियन सूचर, हाइपोस्टोमल सूचर, कनेक्टिव सूचर, रोस्ट्रल सूचर. नाउ डिस्क्रिप्शन क्या है, वेंट्रल लाइन दैट डिवाइड्स द एंटीरियरली लोकेटेड रोस्ट्रल प्लेट टू वेंट्रली सिचुएटेड डिप्रेस्ड लाइन दैट आइसोलेट्स हाइपोस्टोम एंड रोस्ट्रम.
ventral lines that separate hypostome from the rostrum. Sometimes the two connective sutures meet in front of the ventral side, forming a single depressed line. This is the third question. Nikal lena, jo question ka answer hai. The curved part of each pleuron at some distance from the axis is called as articulating facet, fulcrum, pleural angle, apodeme. Kya kehte hain? Phir kya hai? Posterior extension of each pygidial segment to form small or large spine-like structure is called as telson, pleural spine, genal spine. Area for muscle attachment at the ventral side formed by the inward projection of each axial segment to which muscle attaches, thus causing articulating movement of segments. Coxa hoga, endopodite, exopodite, apodeme. Kya hoga? ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये देख लिया. अब किसी ने पूछा है कि एक्टाइसिस का स्पेलिंग तुमने गलत लिखा है. सी डियर, यू हैव टू बी श्योर अबाउट दिस स्पेलिंग. ये क्या है? एक्टाइसिस. ओके, चेक योर स्पेलिंग फर्स्ट. ओके, एक्टाइसिस एक्सप्लेन करना है फिर से. देखो ये क्या होता है, जनरली हम लोगों को क्या दिखता है. इफ वी मीन्स द ट्राइलोबाइट जो ऑर्गेनिज्म है, इट इज़ इंक्रीजिंग इन साइज. ये तो एकदम छोटा नहीं रहेगा ना, इट इज़ इंक्रीजिंग विद देयर डेवलपमेंटल स्टेजेस. हाँ, लार्वल स्टेज, एडल्ट स्टेज, अ फुल्ली ग्रोन एडल्ट स्टेज, फिर क्या है, फाइनली इट डाइज ऑफ. नाउ व्हेन इट इज़ इन द लार्वल स्टेज, इट विल बी अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म. धीरे धीरे ये बढ़ रहा है साइज में, जितना बढ़ेगा उसको उतना स्पेस लगेगा ना. नाउ देयर एक्सोस्केलेटन विच इज अ हार्ड मैटर, ये तो कभी एक्सपैंड नहीं करेगा. वी हैव सीन इन केस ऑफ गैस्ट्रोपोडाज ऑल्सो दैट गैस्ट्रोपोडा वाइल दे आर ग्रोइंग देयर सेप्टम्स आर कंटिन्यूअसली बीन एडेड एंड दे इंक्रीजेस इन साइज एंड द ऑर्गेनिज्म जो है वो लास्ट सेप्टम में रहता है, जिसको हम बॉडी होल या बॉडी चेंबर कहते हैं, है ना. क्यों होता है? ताकि वो उस चेंबर में फिट इन कर सके, इसीलिए वो चेंबर ग्रो करता है. लेकिन वहाँ पे ना चेंबर्स डिटैच नहीं होते, दे आर कंटिन्यूअसली बीन एडेड टू फॉर्म अ कॉनिकली कॉयल शेल या फिर स्पाइरली कॉयल शेल. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, देयर एक्सोस्केलेटन्स दे आर कंटिन्यूअसली शेड ऑफ. क्यों? क्योंकि नेचुरली जब वो ऑर्गेनिज्म बढ़ रहा है, उसका जो एक्सोस्केलेटन है वो उसे बढ़ने से रोकेगा, तो वो क्या करेगा, इससे निकलने की कोशिश करेगा, अदरवाइज इट विल डाई. ओके, तो वाइल इट इज प्रेशराइजिंग टू कम आउट ऑफ इट्स एक्सोस्केलेटन, कहाँ से आएगा, कहीं से तो उसे निकलना पड़ेगा. फ्रॉम दिस एक्सोस्केलेटन दिस पार्ट इज द, वी हैव सीन दैट इन द केस ऑफ सेफलॉन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूचर्स. फेशियल सूचर्स हमने देखा था ना, जिसे हम सेफेलिक सूचर्स कहते हैं, उसी फेशियल सूचर्स के बराबर द शेल विल स्टार्ट टू ब्रेक. एज द शेल विल ब्रेक, दिस पार्ट ऑफ द शेल इट विल मीन्स ब्रेक अपार्ट एंड द ऑर्गेनिज्म इट विल हैव अ वे टू कम आउट. इट विल कम आउट एंड दिस टाइम द सॉफ्ट बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विल नॉट हैव अ एक्सोस्केलेटन, बट सून द ऑर्गेनिज्म विल secrete a exoskeleton to surround its soft body. Why? Because it is very much prone to the scavengers, है ना, soft body of the organism. इसीलिए इसको एक shield चाहिए अपने इर्द गिर्द. वो क्या होता है, उसका exoskeleton. तो क्या होता है, ये जो trilobites है with their continuous growth of their body size, there is continuous shedding of their exoskeleton. तो ये एक्सोस्केलेटन जैसे उन्होंने शेड किया है, तो ये क्या होते हैं, कंटिन्यूस ग्रोथ एंड कंटिन्यूस एक्सोस्केलेटन भी उसमें शेड हो रहा है और न्यू एक्सोस्केलेटन ग्रो कर रहा है. दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्टाइसिस. ओके, ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, एक्टाइसिस. और ये जो एक्सोस्केलेटन है जिससे ऑर्गेनिज्म निकल जा रहा है एंड इट इज लेफ्ट वैकेंट, दिस इज कॉल्ड एज द कास्ट शेल. ओके, और एक्सुविया. ओके, नाउ दिस फेनोमिना ऑफ पीरियोडिक मोल्टिंग, मोल्टिंग का मतलब क्या है, शेडिंग ऑफ देयर एक्सोस्केलेटन, इसको हम क्या कहते हैं, एक्टाइसिस. ओके, अब डाउट क्लियर हुआ दीपांशा, आपका डाउट क्लियर हो गया, एक्टाइसिस.
और देखिए इग्डाइसिस में जो तीन हम लोगों का जो स्टेजेस है डेवलपमेंट का, वो क्या है? प्रोटास्पिस, मेरास्पिस, होलास्पिस। ओके ना, प्रोटास्पिस द इनिशियल लार्वल स्टेज और द अर्ली ग्रोथ स्टेज इज कॉल्ड द प्रोटास्पिस, जिसमें लार्वा ग्रो कर रहा है, स्मॉल साइज होता है, उसमें कोई ट्रांसवर्स फरो डेवलप नहीं करता, कोई सेगमेंटेशन नहीं होता। मेरास्पिस सेगमेंटेशन हो रहा है बिकॉज अ ट्रांसवर्स फरो इज डेवलपिंग एंड सेफेलॉन इज सेपरेटेड फ्रॉम द पिजीडियम। मेरास्पिस द सेकेंड स्टेज ऑफ ग्रोथ। अब ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब क्या है? सेगमेंटेशन होगा तभी तो ग्रोथ होगा ना। विथ कंटिन्यूअस ग्रोथ सेफेलॉन इज सेपरेटेड फ्रॉम द पिजीडियम एंड इन बिटवीन देम द थोरेसिक सेगमेंट आर एडेड। ओके, एंड दिस थोरेसिक सेगमेंट आर कंटिन्यूअसली एडेड फ्रॉम द पिजीडियम टूवर्ड्स द सेफेलॉन। ठीक है, ये अगर पिजीडियम है, ये सेफेलॉन है, कंटिन्यूअस पिजीडियम से सेगमेंट एड हो करके सेफेलॉन मूव अपार्ट कर रहा है। एंड फाइनल एडल्ट स्टेज को हम क्या कहते हैं? होलास्पिस, दैट इज अ फुल्ली ग्रोन एडल्ट ट्राइलोबाइट इज अ होलास्पिस। ओके, विच हैज़ अ एक्सोस्केलेटन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखो कि ये डिफरेंट ऑन्टोजेनिक स्टेजेस है, लेकिन ये होलास्पिस अटेंड कर गया है, इसका मतलब इसका जो शेल है वही रह जाएगा, इसका तो ये मतलब नहीं है। ये एडल्ट बन गया है लेकिन इसका बॉडी साइज तो ग्रो करेगा ना। हम लोग जैसे क्या एडल्ट है, लेकिन हम लोग क्या ग्रो नहीं कर रहे हैं, है ना? कपड़े थोड़े बड़े साइज के लगते हैं, जैसे हम लोग बड़े होते हैं वैसे टाइप का, तो इनको भी बड़ा साइज का एक्सोस्केलेटन लगता है, इसीलिए वो छोटा साइज का एक्सोस्केलेटन छोड़ के बड़े साइज का एक्सोस्केलेटन, दे अचीव अ लार्जर एक्सोस्केलेटन। दिस मोल्टिंग या फिर शेडिंग ऑफ देयर एक्सोस्केलेटन, ओके, दिस प्रोसेस इज नोन एज एग्डाइसिस। ओके, चलो क्वेश्चंस, प्लीज राइट द क्वेश्चन नंबर, ओके, देन यू आंसर। नाउ भाई फोर पे चले गए, वन का आंसर दे दो विवेक रॉय, वन का आंसर दे दो। क्या होगा ट्राइलोबाइट का, क्या है ग्रेड एंड बॉडी प्लान? आई हैव टोल्ड यू इन द फर्स्ट स्लाइड अबाउट द ग्रेड एंड बॉडी प्लान। ट्रिप्लोप्लास्टिक कोलोमेट तो सभी में है, दिख रहा है, स्यूडोमेरस होगा, मेटामेरस होगा, ऑलिगोमेरस होगा, एमेरस होगा। आई नीड दिस आंसर फ्रॉम यू गाइज, कम ऑन, यू हैव टू आंसर बिकॉज आई हैव टोल्ड दीज थिंग्स न्यूमरस टाइम्स। ओके, चलो जल्दी से आंसर दो, व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर वन? ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब थ्री लेयर होगा विद इन द बॉडी वॉल, कोइलोमेट होगा मतलब देयर इज अ वेल डेवलप्ड बॉडी कैविटी एंड द बॉडी कैविटी इज फॉल्सली सेगमेंटेड, मतलब स्यूडोमेटामेरस, मेटामेरस मतलब सेगमेंटेड अलोंग इट्स लेंथ, ऑलिगोमेरस मीन्स ट्रूली सेगमेंटेड बॉडी कैविटी विथ वेल डेवलप्ड ऑर्गन इन ईच सेगमेंट, एमेरस मतलब नो सेगमेंटेशन। वन का ए कैसे भाई, स्यूडोमेटामेरस कैसे होगा है? स्यूडोमेटामेरस मतलब क्या है? फॉल्स सेगमेंटेशन। फॉल्स सेगमेंटेशन किस में मिलता है बता बता के मैं पागल हो गई, ये वाला पार्ट, हाँ मोलस्का में। स्टिल दिस मिस्टेक, यू आर फाइंडिंग इट इन सेफेलोपोड, गैस्ट्रोपोड एंड बाइवाल्व पेलिसाइपोड, हाँ फॉल्स सेगमेंटेशन। मेटामेरस क्या है? द बॉडी विल बी सेगमेंटेड अलोंग द लेंथ, तो वन का बी होगा ना। फिर मैच द फॉलोइंग, हाइपोपेरियन, गोनाटोपेरियन, प्रोटोपेरियन, ऑपिस्टोपेरियन टाइप ऑफ सूचर्स, कम ऑन टेल मी द एग्जांपल्स। हाइपोपेरियन का मतलब क्या है? द सूचर विच इज प्रेजेंट अलोंग द मार्जिन ऑफ द सेफेलॉन बट इट इज़ प्रेजेंट अलॉन्ग द वेंट्रल साइड, इसमें आइज नहीं दिखेगा, इट इज़ प्रेजेंट बिलो वेंट्रल साइड लोअर पार्ट, हाइपोपेरियन। गोनाटोपेरियन मतलब सूचर विच स्टार्ट्स फ्रॉम द जीनल एंगल, गोनाटोपेरियन। फिर प्रोटोपेरियन सूचर स्टार्टिंग एंटीरियरली एंड इट इज एंडिंग जस्ट बिफोर द जीनल एंगल, ऑपिस्टोपेरियन सूचर एंडिंग पॉस्टीरियर टू द जीनल एंगल। अच्छा फिर ठीक है, गलती से टाइप हो गया तो
नहीं तो बहुत डिसअपॉइंट हो जाऊंगी, मेटामेरस नहीं कह के स्यूडो मेटामेरस बोल दिए तो। अब मैच द फॉलोइंग, जल्दी से बताओ। हाइपोपेरियन, वेंट्रली लोकेटेड सूचर, मार्जिनल सूचर। हाइपोपेरियन किस में होगा? चलो चलो, ओके आई एम टेलिंग द आंसर। हाइपोपेरियन जिसमें होगा दैट इज माइक्रो डिस्कस। आई थिंक यू आर नॉट टू का सी, यस गुड। हाइपोपेरियन का जो है, जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है ना, इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू विल गेट द लिंक फ्रॉम देयर, डाउनलोड इट, प्लीज़ स्टडी इट। इट इज स्पेशली मेड टू हेल्प यू। बुक में बहुत सारा कुछ दिया हुआ है, बुक ज़रूर पढ़ो। बुक पढ़ना इज़ मैंडेटरी एंड ऑल्सो ट्राई टू रीड द स्टडी मटीरियल। ये एक हैंड नोट की तरह है जिसमें तुम्हें रिवाइज करने में हेल्प होगा। ओके नाउ हाइपोपेरियन माइक्रोडिस्कस, ओके देन गोनाटोपेरियन कालीमिनी, प्रोटोपेरियन इज ऑलेनिलस एंड ऑपिस्टोपेरियन पैराडॉक्साइड्स। वेयर इज सी ए डी बी? ओके टू का सी, गुड गुड विवेक। देन मैच द फॉलोइंग फेशियल सूचर टाइप्स विद देयर डिस्क्रिप्शन। ओके मीडियन सूचर, हाइपोस्टोमल सूचर, कनेक्टिव सूचर, रोस्ट्रल सूचर, ऑल दीज सूचर्स दे आर लोकेटेड वेंट्रली, वेंट्रली लोकेटेड फेशियल सूचर्स दैट आर प्रेजेंट इन द सेफलॉन पार्ट। अब क्या है देखो, इन द केस ऑफ दिस, ओके दिस इज द एंटीरियर साइड, पॉस्टीरियर साइड, ओके नाउ मैं उतना अच्छा नहीं हूँ ड्राइंग में, थोड़ा माफ़ कर देना ड्राइंग खराब होगा तो, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट वी नो इज द हाइपोस्टोम, दिस इज द रोस्ट्रल प्लेट, दिस इज द हाइपोस्टोमल प्लेट, ओके नाउ वैट द सूचर सेपरेटिंग द रोस्ट्रल प्लेट फ्रॉम द हाइपोस्टोमल प्लेट, इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हाइपोस्टोमल सूचर? थ्री का आंसर दो जल्दी से। इसको हम क्या कहते हैं हाइपोस्टोमल सूचर? दैट इज द वेंट्रल लाइन दैट सेपरेट्स हाइपोस्टोम फ्रॉम रोस्ट्रम। ओके द वेंट्रल लाइन दैट सेपरेट्स हाइपोस्टोम फ्रॉम रोस्ट्रम इज द हाइपोस्टोमल सूचर। हाइपोस्टोमल सूचर आई विल राइट इट हियर, ओके हाइपोस्टोमल सूचर टू का क्या होगा? सी। मीडियन सूचर क्या है? मीडियन सूचर दीज टू सूचर्स, ये जो सूचर्स है ना दैट आइसोलेट्स द रोस्ट्रल प्लेट एंड द हाइपोस्टोमल प्लेट, इसको हम क्या कहते हैं कनेक्टिव सूचर। कनेक्टिव सूचर हमें दिख रहा है कहाँ पे? कनेक्टिव सूचर ऑप्शंस में है थ्री, थ्री का हम लोग क्या कह सकते हैं? टू वेंट्रली सिचुएटेड डिप्रेस्ड लाइन दैट आइसोलेट्स हाइपोस्टोम एंड रोस्ट्रम, मतलब थ्री का बी। अब मीडियन सूचर देख लेते हैं। कभी कभी जो कनेक्टिव सूचर्स है ना दे यूनाइट टू फॉर्म अ सिंगल डिप्रेस्ड पार्ट दैट इज प्रेजेंट एंटीरियरली, ओके ऑन द वेंट्रल साइड। ये जो है यहाँ पे यूनाइट हो जाता है तब हमें रोस्ट्रल प्लेट नहीं दिखता, इसे हम मीडियन सूचर कहते हैं। दैट इज Sometimes the two connective suture meets in front of the ventral side forming a single depressed line. That is a median suture. Now 4 ka hai, 4 hai rostral suture. Ventral line that divides the anteriorly located rostral plate. Ye kya hai rostral plate? And this line is dividing the rostral plate. Okay. If this is the rostral plate, the ventral line that divides the rostral plate is known as the rostral suture. So D, C, B and A. 3 ka B. Yes, God Vivek. नाउ फोर, अदर्स ऑल्सो ट्राई टू आंसर, गलत होने दीजिए, आंसर कीजिए। नाउ द कर्व पार्ट ऑफ ईच प्लूरॉन एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस, द कर्व पार्ट ऑफ ईच प्लूरॉन एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस। दिस कर्व पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं बोलो भाई? कर्व पार्ट को
भाई एक जन ही आंसर दे रहा है, दूसरे क्या कर रहे हैं? जल्दी से बताओ। कर्व्ड पार्ट ऑफ ईच प्लूरॉन एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। प्लीज ट्राई टू आंसर। इफ यू आर नॉट आंसरिंग एंड इंटरेक्टिंग इन द क्लास देन कोई मायने नहीं है ना। तुम समझोगे तभी ना आंसर दोगे। समझ गए तो आंसर जरूर दे दोगे। फोर का बी। यस गुड विवेक एंड दीपांशा। फोर का बी फलक्रम कहते हैं। ठीक है देन पोस्टीरियर एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट पिजीडियल सेगमेंट टू फॉर्म स्मॉल और लार्ज स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर। इसे क्या कहते हैं? टेल्शन प्लूरल स्पाइन जीनल स्पाइन। फाइव का बताओ। टेल्शन प्लूरल स्पाइन जीनल स्पाइन। पोस्टीरियर सेगमेंट का जो स्पाइन लाइक एक पोस्टीरियर मोस्ट साइड में एक्सटेंशन होता है व्हाट इट इज कॉल्ड? फाइव का बता दो जल्दी। क्या कहते हैं? टेल्शन कहते हैं, प्लूरल स्पाइन कहते हैं या फिर जीनियल स्पाइन कहते हैं? व्हाट विल बी द आंसर फॉर फाइव? टेल्शन कहते हैं। ठीक है प्लूरल स्पाइन किसे कहते हैं? इन द थोरैसिक सेगमेंट ये जो प्लूरा का पार्ट है जब वो स्पाइनी हो जाएगा उसे हमें प्लूरल स्पाइन कहा जाएगा। ओके जीनियल स्पाइन। जीनियल स्पाइन कहाँ पर मिलता है? सेफलॉन में मिलता है। दैट इज व्हेन द टर्मिनल एंड ऑफ द सेफलॉन इट एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली टू फॉर्म अ स्पाइन। गुड गुड। और क्या है? एरिया फॉर मसल अटैचमेंट। ये कहा गया है मसल अटैचमेंट को लेके। एट द वेंट्रल साइड। कहाँ? वेंट्रल साइड। फॉर्म्ड बाय इनवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ ईच एक्सियल सेगमेंट टू विच मसल अटैचेस दस कॉजिंग आर्टिक्यूलेटेड मूवमेंट। मैंने अभी समझाया है बायरेमस अपेंडिजिस में इसको कहा जाता है कुछ। क्या कहा जाता है? कॉक्सा एंडोपोडाइट एक्सोपोडाइट एपोडेम। क्या कहा जाता है? भाई तुम आंसर देते रहो। अगर देखो आंसर पता होगा ना तो मैं देख रही हूँ तुम लोग का आंसर सही हो रहा है इसीलिए मैं गुड कह रही हूँ। ठीक है विवेक यू ट्राई टू आंसर इन द क्लास अदरवाइज डोंट थिंक दैट आई एम सीइंग और नॉट। आई एम ऑलवेज वट एवर यू आर राइटिंग आई एम सीइंग। ओके आप लोगों का रिप्लाई हमेशा मैं देखती हूँ। ये क्वेश्चन बनाया ही गया है ताकि आप लोग रिप्लाई दें और आप लोगों को समझ में आ सके। चलो सिक्स का आंसर बताओ। व्हाट इज दिस एरिया इज कॉल्ड? गुड दीपांशा। इसको हम एपोडेम कहते हैं। ठीक है ओके कोई डाउट अब तक क्लास में? I will wait for a minute. नहीं तो आज का स्लाइड इतना तक ही है ख़त्म। बता दो जल्दी बता दो कोई डाउट है क्या? सिक्स का बी नहीं होगा। एंडोपोडाइट नहीं होगा। एंडोपोडाइट क्या है? ये जो कॉक्सा है यही तो मसल से अटैच्ड हो रहा है ना। ये जो सेगमेंट है तुम्हारा एक्सियल सेगमेंट इसी के यहाँ पे जाके अटैचमेंट हो रहा है। ये कॉक्सा है इसका इनर्ट जो पार्ट है ना ये एंडोपोडाइट है। इसका जो एक्सटर्नल पार्ट है आउटर ब्रांच ये एक्सोपोडाइट है। समझ में आया? ओके थैंक यू शेखर अवस्थी। थैंक यू फॉर सच अ गुड रिस्पॉन्स। थैंक यू। ओके सो एंडोपोडाइट क्या होता है? दिस इज द इनर ब्रांच अटैच टू कॉक्सा। एक्सोपोडाइट आउटर ब्रांच अटैच टू कॉक्सा। कॉक्सा इटसेल्फ इट अटैच टू अ मसल विच इज प्रेजेंट एट अ इनवर्ड डिप्रेस्ड पार्ट ऑफ द एक्सियल सेगमेंट थोरैसिक में। थोरैसिक पार्ट में ये ग्लैबुला थोरैक्स एंड पिजीडियम सभी में होता है। ठीक है इसी को हम एपोडेम बोलते हैं। देखो एपोडेम क्या है? वो मसल अटैचमेंट है जिसके थ्रू ये जो बायरेमस अपेंडेज है ना जाके अटैच कर रहा है। गम तो नहीं है, कोई ग्लू तो नहीं है कि जाके यहाँ पे ग्लू लगा दिया अटैच कर दिया। मसल्स रहेंगे ना यहाँ पे जो इसके आर्टिकुलेशन में हेल्प करेंगे। दिस इज कॉल्ड द एपोडेम। दिस इज कॉल्ड द कॉक्सा। द आउटर ब्रांच इज एक्सोपोडाइट इनर ब्रांच इज एंडोपोडाइट। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। ओके चलो कोई डाउट नहीं है। देन आई एम एंडिंग द क्लास टुडे।
आई विल गिव यू 1 मिनट, प्लीज इफ देर इज एनी डाउट आस्क, ठीक है। पैलियोन्टोलॉजी का देखो, अभी तो तुम्हारा इन्वर्टिब्रेट पैलियोन्टोलॉजी चल रहा है, इसमें तुम्हारा अभी तक क्या है बाकी, इकिनॉइड्स है, कोरल्स है, ग्रैप्टोलाइट्स है। व्हेन दिस पार्ट विल बी ओवर, आपको क्या होगा इन्वर्टिब्रेट से, मैं वर्टिब्रेट पैलियोन्टोलॉजी स्टार्ट कर दूँगी, ओके। फ्रॉम देयर ऑल्सो वी विल, आफ्टर दैट वी विल सी द प्लांट किंगडम, ठीक है। और कुछ क्लासेस हो गए, आप हमेशा प्रेजेंट रहिए, देखते रहिए। AAS का जो यूट्यूब का चैनल है वहाँ पे हमेशा अपडेट देते रहे, हम लोग देते रहते हैं। कीप फॉलोइंग द AAS चैनल, यू विल गेट द अपडेट्स एंड बी प्रेजेंट इन द क्लास। जितना डाउट है पूछ लो, क्लियर कर लो, ताकि एग्जाम में जाके कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलो ओके, आई एम नॉट गेटिंग एनी डाउट फ्रॉम योर साइड, सो आई एम एंडिंग द क्लास टुडे। थैंक यू एवरीवन, thank you everyone for being with me so patiently, okay. I thank you all on behalf of Academy of Earth Sciences and hope that you have a good day, theek hai, chalo bye.